हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैं देखी नेटफ्लिक्स की ब्रांड न्यू सीरीज फर्स्ट किल, जिसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सीरीज की, जिसकी कहानी फोकस करती है टीनेज गर्ल्स जूलियट और कैलिप पर, जहां जूलियट एक वैम्पायर है और रेडी है अपने फर्स्ट किल के लिए, जिस बीच वो कैलिप से मिलती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर कैलिप भी कोई आम लड़की नहीं, वो एक मॉन्स्टर हंटर है और अगेन रेडी है अपने फर्स्ट हंट के लिए, क्या फिर कहूँ फर्स्ट किल के लिए। जिन दोनों की लाइफ और सीरीज में आगे क्या कुछ होता है, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी ब्रांड न्यू सीरीज फर्स्ट किल, जो कि एक टीन ड्रामा मिस्ट्री शो है, जिसका ट्रेलर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कहानी नई नई है। पर हाँ, ये भी सच है कि शो एक साथ काफी कुछ प्रेजेंट करता है, जिसके चलते कहानी इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और नई फील होती है। जो कि टीन ड्रामा है जिसमें लव स्टोरी है, जिसे और इंटरेस्टिंग बनाने का काम वैम्पायर और मॉन्स्टर हंटर वाला एंगल करता है, जिसके चलते शो कहानी में नया ना होकर भी काफी कुछ नया प्रेजेंट करता है, जिसे देखने में मजा आता है। बाकी सीरीज का मेन फोकस कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो एक चीजों को देखने और करने का एक अलग नजरिया है, वो दिखाना था। सीधा सीधा कहूँ तो फैमिली प्रेशर, जो कि ये सीरीज बहुत ही अच्छे से दिखाती है, जिसे टीनेजर्स और टीन वैम्पायर ड्रामास देखना जो पसंद करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी बात एक्टिंग और कैरेक्टर्स की करूँ तो सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है और कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन भी। पर जो हमें इम्प्रेस करती है और शो से बांधे रखती है, वो ऑब्वियसली शो की दोनों ही मेन लीड एक्ट्रेस हैं, जिन दोनों ने अपने रोल्स को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, खास करके केमिस्ट्री और रिलेशनशिप को जिस तरीके से शो में दिखाया गया है वो काफी बढ़िया है। बाकी शो का डायरेक्शन अच्छा है और बीजीएम भी, जो कई सारे सीन्स में जान डालता है। पर वहीं बात करूं एडिटिंग की, तो एपिसोड्स की गिनती 8 है और लेंथ लगभग 1 घंटे की, जो थोड़ी बहुत फील तो होती है, जिसका बजट भले से ही अच्छा हो पर सीजीआई वह बेकार है, जो आपको कुछ हद तक CW के शोज की याद दिलाएगा। बाकी एक्शन सीन्स अच्छे हैं, पर कुछ स्टोरी लाइंस और सस्पेंस को लेकर जिस तरीके से शो एंड हुआ है वो डिसअपॉइंटमेंट है। तो ओवरऑल मेरी नजर में फर्स्ट किल एक टाइम पास शो है, जो भले से स्टोरी में काफी इंटरेस्टिंग है पर कई सारी चीजों में मार खाता है, जिसे देखना ना देखना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। नेटफ्लिक्स की सीरीज फर्स्ट किल को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था सीरीज फर्स्ट किल को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू, जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।